हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, ये देखिए, इसमें ये न्यू स्टार्ट हो गई, यानी न्यू शूट आ गई है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसका क्या करूँगी, आप मेरी पिछली वीडियो में चेक कर सकते हो कि मैंने मेरे एक यहाँ पे लगी हुई थी कटिंग, एक ब्रांच और दो ब्रांचेस यहाँ से निकल रही थी, तो फ्रेंड्स उनको मैंने कट कर लिया है। ये देखो, ये वो कटिंग्स हैं, इनको मैंने कट कर लिया है। अभी छोटी हैं तो मैं इनको जो है इसी पॉट में यहाँ पे इसके आसपास लगा दूँगी और कटिंग से ग्रो करना आपको बताऊँगी। यहाँ से देखिए, नोड से तीसरी निकल रही थी ये वाली, आप मेरी पिछली वीडियो में इसकी फ़ोटो चेक कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसमें इसी वीडियो में इसकी फ़ोटो लगा दूँगी। तो ये यहाँ लगा हुआ था, ये देखिए ऐसे, पहले नर्सरी वालों ने भी इसमें से कटिंग ली होगी यहाँ से। ये देखिए, ये कटा हुआ है तो उन्होंने कटिंग से ग्रो किया होगा। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है नोड से, ये सेंटर से भी अगर आप इसको कट करें तो वहाँ से इसकी कटिंग बहुत इजीली चलती है और रूट बन जाते हैं बहुत आसानी से। नोड वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड होता है तो वहाँ से रूट आने में टाइम लगता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल है ये वाला, देखिए इसमें रूट जो है एकदम कहाँ से आ रही है देखो, और ये एरियल रूट है, ये देखिए। तो मैंने ये भी कटिंग निकाल ली है और इसको भी मैं सॉइल में लगाऊंगी एज ए कटिंग, इसको ग्रो करूंगी। और ये भी मैंने कट कर लिया देखो, तो इनको मैं अभी तो इसी पॉट में लगा दूंगी, फिर अगर मेरे को इसमें स्पेस कम लगेगी तो मैं उनको एक आधी कटिंग रिमूव करके यहाँ से तो दूसरे पॉट में लगा दूँगी। तो ये फ्रेंड्स मैंने कैलस कर लिए हैं, दो तीन दिन हो चुके हुए हैं इसको कट किए, तो देखो ये यहाँ से हार्ड हो गया हुआ है। तो इसको मैं अब यहाँ पे होल करके, क्योंकि ये प्लांट तो मेरा छोटा है, इस साइड पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगी। ये जस्ट अभी मैं आपको ऐसे करके बता रही हूँ, उसके बाद मैं इसको अच्छे से लगा दूँगी। ये सॉइल मैंने लूज़न अप कर ली, और ध्यान रखिएगा कि कहाँ से कौन सा इसका सीधा पार्ट है और कौन सा, ये देखो, क्योंकि यहाँ से भी मैंने कट किया और यहाँ से भी किया है, तो ये ऊपर को जा रहे हैं ऐसे, ये उल्टी कटिंग है ये देखिए, और ऐसे ये सीधा है, जो उसके कंडे थे थॉर्न्स थे वो ऊपर को होते हैं। तो ये बस ऐसे आपको कर देना है फ्रेंड्स, ये देखो बस इतना सा आपको अंदर लगाना है, और ये कैक्टस की तरह रूट्स बना लेता है। ये भी बहुत छोटा है, इसको बहुत इजी है लगाना, बस ऐसे ही आपको सॉइल में ये लगा देना है बस। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने ड्रैगन फ्रूट में अगर काफ़ी सारी ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस निकल रही हैं, तो उसे कट करके सेपरेट कटिंग्स लगा लीजिए, तो आपका एक अलग प्लांट बन जाएगा। क्योंकि इसको अगर हम लंबी तरह ग्रो करेंगे तो इजी रहेगा हमें मेंटेन करना, इसको ट्रेन करके ऊपर चढ़ाएंगे। अगर ये साइड को फैलेगा तो फिर हमें मुश्किल होगी कि इसको कैसे कंट्रोल करें, या तो फिर आप इसे किसी कॉर्नर में लगा दीजिए जहाँ पर ये जैसे मर्जी फैलता जाए। ऐसे ही ये कटिंग है देखो, ये वाली, तो इसको भी हम लगा देंगे। मैं इसको बैक साइड पे लगाऊंगी, अभी मैं यहाँ आपको, कैमरा मेरे हाथ में है तो मुझे पकड़ नहीं हो रहा, तो इसको बस ऐसे ऐसे लगा देना है, और ये इस स्टिक के साथ साथ ऐसे चलता रहेगा। मैं इसको ऐसे ऐसे लगा दूंगी, ये देखो ऐसे, ये देखो बस मैंने इतना सा लगा दिया है, और इसके रॉट होने का खतरा भी नहीं है, एरियल रूट जो है वो स्टिक को पकड़ लेगी और ये मेरा ग्रो कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी है इसकी कटिंग लगानी, आप भी इसे प्रोपेगेट करो और इन्जॉय करो, और ये जब मैच्योर होगा तभी इस पर फ्रूटिंग होगी। अभी ये बहुत छोटा है तो अभी से एक साल लग जाएगा फ्रूटिंग पे आने के लिए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप भी अपने ड्रैगन फ्रूट प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।